गाइस आज मैं सिखाऊंगा आपको कैसे आप हवा से नोट बना सकते हो जादूगर के जैसा। आपने काफी सारे जादूगर ने देखा होगा कि जादू से नोट बनाते, तो चलो क्या आपको सीखना है। ऐसे काफी सारे आइडियाज हो सकते हैं, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा एक बेसिक आइडिया जिससे आप इजीली बहुत आसानी से जादूगर के दिखा सकते हो, लेकिन रियल में नहीं, ये एक जादू कला है। आपको आज का ये ट्रिक काफी अच्छा लगा होगा, और अब चलिए हम सिखाएंगे इस मैजिक को कैसे आप कर सकते हो। तो जैसे देखा आपने कि मेरे पास एक स्टिक था और खाली हाथ से स्टिक से जादू करके नोट निकाला। ऐसे आप चाहो तो बहुत सारे टाइम पे मैजिक से जस्ट 1, 2 और 3 आप हैंकी भी निकाल सकते हो। वेरी अमेजिंग। सो चलिए अब हम सीखेंगे कैसे हमने जादू से नोट निकाला। उससे पहले यार, अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो इस मैजिक को करने के लिए चाहिए आपको कुछ नोट्स, जैसा जितना नोट आप निकालना चाहते हो, जितना आप गिमिक को बना सकते हो। आपको चाहिए एक छोटा सा रबर बैंड, मैंने बहुत बड़ा रबर बैंड यूज़ कर लिया है, बिल्कुल छोटा टाइप का आपको रबर बैंड लेना है। साथ में चाहिए आपको एक स्टिक, अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप इजीली घर में किसी भी लकड़ी से बना सकते हैं। और अगर हमारे मैजिक शॉप से बाय करना चाहते हो तो बहुत ही कम रेट के अंदर आपको स्टिक मिल जाता है। इस स्टिक से एक नहीं दो नहीं काफ़ी सारे मैजिक हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया रुमाल निकाल के फिर वो जाम कर रहा था, और भी डिफरेंट डिफरेंट मैजिक इससे हो सकता है। और इस स्टिक के अलावा और भी काफ़ी सारे आइटम आपको हमारे शॉप में देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप कोई भी आइटम घर बैठे इजीली मंगा सकते हो इस व्हाट्सअप नंबर के द्वारा। और अगर आपको कोई भी कोर्स करना हो, माइंड रीडिंग या मैजिक कोर्स, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा मेरे वेबसाइट का, जहां से आप इजीली घर बैठे कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आपको जितना भी नोट लेना है उस नोट को एक जगह करने के बाद इसको हाफ हाफ फोल्ड कीजिए, और फोल्ड करने के बाद उस स्टिक के ऊपर रख के कुछ इस तरीके से आप इसको रोल बना लीजिए, ओके, जस्ट ऐसे। और फिर आपको छोटा सा एक रबर बैंड लेके इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा रबर बैंड हो गया तो इसीलिए मैं कह रहा था छोटा रबर बैंड। दिस इज योर गिमिक इज ऑलमोस्ट रेडी, ओके। सो इसका होल थोड़ा सा इतना बड़ा होना चाहिए कि इजीली ये अंदर से ऊपर नीचे हो पाए, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइट हो गया, ये मेरा ठीक है, बट आप अगर कर रहे हैं तो अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो थोड़ा सा होल को बढ़ा सकते हैं। अब आप दो तरीके से इसको शुरू कर सकते हैं। पहला स्टेप जो बेटर मैंने किया था वो है, मैंने इसको यहाँ पर छुपा कर रखा था, ओके, और फिर यहाँ से हमने शुरू किया था मैजिक को दिखाना। और फिर हमने क्या किया, सबसे पहले स्टिक से दो एक ट्रिक करके दिखाया जैसे जाम करना, और फिर हमने हाथ को खाली दिखाया, इस हाथ को भी खाली दिखाया, और फिर सोचने की एक्टिंग किया। जब सोचने की एक्टिंग किया तब मेरे इस हाथ को लेके गया मैं यहाँ पर, और इस तरीके से मैं सोचने की एक्टिंग किया, ओके, तो मेरा हाथ चला गया यहाँ, ठीक है। और जब मैंने हाथ को बाहर किया तो इजीली हाथ को उठाया तो ये आ गया मेरे हाथ में, ओके। सो अगर मैं स्क्रीन पे दिखाऊं तो जस्ट नहीं है, और जस्ट सोचने की एक्टिंग, और फिर मेरे हाथ पे। और फिर हमने क्या किया ना, इसको ले जाके स्टिक के बीचों बीच डाल दिए ऐसे बात करते हुए, तो ये चला गया अभी स्टिक के बीच में। अब चाहो तो फिर स्टिक को आप ऐसे भी दिखा सकते हो नॉर्मल खाली, और फिर हमने ऐसे दिखाया कि देखो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, और फिर इस हाथ से मैंने इसको कवर किया ऐसे, ठीक है। और फिर दिखाया ये हाथ खाली, ओके, वॉच केयरफुल, देखिए यहाँ पर है, मैंने हाथ दिखाया कुछ भी नहीं है, और फिर इधर से दिखाया कुछ भी नहीं है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, इधर से खाली, वेरी इजी, दो बार करेंगे तो हो जाएगा। और फिर आपको एक्टिंग करना है कि आप हवा से नोट पकड़ रहे हो, और फिर आपको स्टिक को आप यहाँ रखना है, इस तरीके से पकड़ना है, नोट यहाँ है आपको, आप जब आप रख रहे हैं, सोचिए यहाँ से दिखा रहा हूँ, जस्ट आपने नोट को पकड़ा, कैच किया हवा से, और फिर मैजिक किया, इसको रखा और इसको खींच के बाहर कर लिया, ओके, और फिर 1, 2 और 3
देखने में लगेगा आप इस हाथ से पकड़ के इस हाथ में छोड़ रहे हो, और फिर आपको इस रबर बैंड को स्लोली खोल लेना है, गिरना नहीं चाहिए रबर बैंड, और फिर धीरे धीरे नोट को आपको ओपन करना है और एक एक करके ओपन करके दिखा देना है। दिस इज मैजिक नोट 1, 2 and 3। आप जिस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे वैसा आपको देखने में लगेगा, तो प्रेजेंटेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट्स इट गाइज, और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये ट्रिक, काफी इंजॉय किया होगा, और प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।